जय हिंद कैडेट्स, बालकों और बालिकाओं, अब तुम लोगों के लिए समय आ गया है। 40 दिन मात्र बचे हैं और एमजीएस की तरफ से पूरी फैमिली सब लोग मिलकर जुटने वाले हैं एक मिशन पर, केवल जीएटी के, जो कि है 160 प्लस का मिशन। और 40 दिन एनडीए इन, 40 दिन के अंदर पूरा एनडीए कवर करके दिखाएंगे और कवर कर लेंगे, खत्म कर देंगे और करेंगे हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह। मुख्य रूप से ये दिन जो बचे हैं 40 दिन लड़कियों के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू हैव गॉट जस्ट अ स्मॉल टाइम फॉर दिस। आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं कुछ स्ट्रेटेजी जिसको पढ़कर आपकी चीजें होने वाली हैं क्लियर। तो एकदम ध्यान से देखेंगे स्ट्रेटेजी को, क्या क्या आता है 40 दिन में, आपको मुख्य रूप से क्या कवर करना है। और जिस भी लड़के ने अभी तक, भैया तुम लोगों ने, महान भावों ने अगर नहीं छुई है, तुम लोगों ने अगर किताबें अभी तक त्याग रखी थी, तो तुम्हारे लिए भी ये स्ट्रेटेजी, इसको अप्लाई करो, कॉम्पिटिशन दो एक दूसरे को। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटेजी के बारे में। आज क्या स्ट्रेटेजी है, सबसे पहले अग्नि परीक्षा को कैसे करें पार, आज ये स्ट्रेटेजी हम लोग डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री केयर करेंगे वार, अग्नि परीक्षा को करेंगे पार, और हिस्ट्री के स्ट्रेटेजी के साथ एमजीएस की स्ट्रेटेजी तुम्हारे पास है। मैं वरुण तुमको ये पूरी बात बताने वाला हूँ कि हिस्ट्री में तुम्हें क्या क्या करना है, कितना करना है और कैसे करना है अगले 40 दिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हम लोग को ये नहीं पता होता है कि सब काम कंटेंट होता है हमारे पास, सर इसको करें कैसे, इसको पढ़े कैसे, इसका टाइम टेबल कैसे बनाए, तो तुम्हारे लिए टाइम टेबल भी मैं लेकर आया हूँ। लड़कियों, लड़कों, बालकों, बालिकाओं, कैडेट्स, तुम्हारे लिए ये टाइम टेबल भी मैं लेकर आया हूँ। देखो सबसे पहले जीएटी का सेक्शन आता है। जीएटी के सेक्शन में हमें पता है टोटल 600 मार्क्स का ये है। कितने मार्क्स का है? 600 मार्क्स का टोटल ये पेपर होता है। उसमें 200 मार्क्स हमको इंग्लिश में मिलते हैं, जो कि माँ आपको बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी ऑलरेडी बता चुकी है। जीएटी और सेकंड सेक्शन आता है 200 मार्क्स का, दैट इज साइंस का आता है। 50 क्वेश्चंस आते हैं, 50 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चंस ईच, दैट इज 200 मार्क्स। 200 मार्क्स के साइंस का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज, जिसमें 200 मार्क्स का आता है। और 200 मार्क्स में हम लोगों ने स्कोर रखा है, वो है बालिकाओं 160 प्लस का। कितना? 161। यस, दिस इज नॉट अ ड्रीम, यस यू कैन अचीव इट। 160 नंबर हम अचीव कर सकते हैं 200 में, कैसे ये मैं अभी बताऊंगा। जनरल स्टडीज में पहले देख लो होता क्या क्या है, दैट इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, डिफेंस स्टडीज, एक्सेट्रा, स्टैटिक जीके का पोर्शन भी हम लोगों को कई बार इस सेक्शन में देखने को मिलता है। तो अब हम लोग आज देखेंगे कि हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है हमको, जो हम लोग अगले 40 डेज में कर ले, हम लोगों के मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग एग्जाम में उसको फंसा लेना है। बिकॉज लड़के बहुत पहले से बच्चियां तैयार कर रहे हैं, तो उनके कॉम्पिटिशन में आना पड़ेगा, गुत्थी मुत्था होगा। लेकिन मार इछोर इछोर से कम है कि 40 दिन में 4 डालेंगे। सबसे पहले आता है एंशियंट हिस्ट्री का पोर्शन। एंशियंट हिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है? फर्स्ट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता भी इसको कहते हैं। सेकंड इज वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर में ऋग्वेद हमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, और पोस्ट वैदिक कल्चर भी देखेंगे हम लोग। यहाँ पर देखेंगे वैदिक कल्चर, पोस्ट वैदिक कल्चर के बाद सीधा हम लोग महाजनपद के पास आएंगे, जो कि महाजनपद में 16 महाजनपदों की बात हमको की गई है। कितनी? 16 महाजनपद की बात की गई है। इनके नाम, इनकी कैपिटल, दोनों चीजें याद करनी है बालिकाओं, दोनों ही चीजें याद करनी है। सारा याद करके मगध का राइज कैसे हुआ है हमें यह देखना है। नेक्स्ट इज फिर, और उसके साथ ही बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसी जो साइकोलॉजी फिलोसफीज हैं, उनका जन्म कैसे हुआ, उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें, इन सब के बारे में हमें आज बात करनी है। नेक्स्ट चीज, इसके बाद हमें बस 2 टॉपिक और करने हैं। मैं 40 डेज में, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये क्रैश कोर्स की तरह बता रहा हूँ, क्रैश कोर्स। 40 डेज में आप पूरा सिलेबस बच्चे कवर नहीं कर पाओगे, पूरा डे पूरा कवर करना पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स जिसमें सब कुछ करना है आपको। तो 40 डेज में केवल वो चीजें हम लोग करेंगे जो कि कंसाइज है, प्रिसाइज है, और उससे हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं। तो 40 डेज में कौन-कौन से टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं, एंशिएंट में आप कवर कर लो, दैट इज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, मौर्यास एंड पोस्ट मौर्यास। पोस्ट मौर्यास में तुम्हारे कुषाण, कुषाण सतवाहना है ना, ये सारे कवर करने हैं हम लोग को। शाक, शाक रूलर के बारे में हम लोग को देखना है। तो ये सब, ये मैंने 5 टॉपिक आपको बताए, इंडस वैली, वैदिक सिविलाइजेशन, महाजनपद, बुद्धिज्म, मौर्यास एंड पोस्ट मौर्यास। तो ये हो गया एंशियंट का, जिसको हम लोग कवर करना है। फिर आ जाओ मिडवल पे, एंशियंट और मिडवल। अच्छा, मैं हिस्ट्री का थोड़ा सा बाइफर्केशन आपको बता दूं। हिस्ट्री में ऑलमोस्ट आते हैं आपके 15 to 17 क्वेश्चंस हमको हिस्ट्री में देखने को मिलते हैं, जिसका बाइफर्केशन
या जिसको सेगमेंट वाइज डिवाइड करें तो हमको एंशिएंट में देखने को मिलता है 3 से 4 क्वेश्चन, सिमिलरली 2 से 3 क्वेश्चन हम लोग को मिडिवल में देखने को मिलता है एंशिएंट मिडिवल, और मॉडर्न में सबसे ज्यादा हमको 10 से 11 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 10 to 11 क्वेश्चन हमको देखने पड़ते हैं मॉडर्न में, और यहाँ आते हैं एंशिएंट में 3 to 4 क्वेश्चन, 2 to 3 क्वेश्चन फ्रॉम मिडिवल एंड 10 to 11 क्वेश्चन फ्रॉम मॉडर्न। तो मॉडर्न पर ज्यादा फोकस करना है, हाँ तब भी ये 6 क्वेश्चन बनते हैं 3 इसके 3 इससे 24 मार्क्स छोड़ेंगे नहीं, जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना कर लो, MJS जितना बता रही है, वरुण सर जितना बता रहे हैं उतना कर लो, वरुण सर कौन है, मैं हूँ वरुण सर, ठीक है, तो वरुण सर जो बता रहे हैं बस उतना कर लो, हो जाएंगी चीजें। तो अब मेरे को मिडिवल में मैंने ज्यादा सिलेबस नहीं दे रखा, दैट इज इन्वेडर्स यानी कि किसने किसने आक्रमण किया, बाबर के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, 4 बैटल जो बाबर ने लड़े हैं 1536 से, 4 बैटल जो लड़े हैं 1529 तक, ये 4 बैटलों के बारे में देख लेंगे। नेक्स्ट इज ऑटोबायोग्राफीज, क्योंकि बहुत सारी ऑटोबायोग्राफीज रूलर्स के ऊपर मुगल्स के ऊपर लिखी गई है, और जो आर्किटेक्चर है थोड़ा सा उसके बारे में हमें जानना है, अकबर के बारे में बेसिकली हमें ज्यादा पढ़ना है, अकबर, औरंगजेब और अलाउद्दीन खिलजी इनके बारे में ज्यादा पढ़ना है, और शाहजहां के आर्किटेक्चर के बारे में हमें पढ़ना है बस, और फिर 5 डायनेस्टी यानी कि गुल किला तो शायद लोधी मिले, गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, है ना, लोधी वंश और मुगल वंश, ये सारी का थोड़ा थोड़ा हमें पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं सारा नहीं पढ़ना है, 40 डेज है, जस्ट 40 डेज, 40 डेज में इतना कंसाइज पढ़ेंगे, इतना कंसाइज पढ़ेंगे कि बस एग्जाम में क्वेश्चन मिले और यहाँ से चीजें क्लियर हो जाए। तो 5 डायनेस्टीज को हम लोग को थोड़ी थोड़ी चीजें हमें पढ़नी है, ज्यादा नहीं। नेक्स्ट इज मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में नेशनल मूवमेंट देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, नेशनल मूवमेंट जरूर कर ले, सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कॉपरेशन कर ले, और ये आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, ये तीनों मूवमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, तो इनको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट इज रिवॉल्ट ऑफ 1857, इसके कॉजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ बक्सर मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्प्लिट ऑफ कांग्रेस को देखना है, लाहौर सेशन, सेशन में भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा, लाहौर का सेशन, फिर ऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसमें 1935 वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, बिल्कुल मत छोड़िएगा, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, आपको आसान होगा करने में। गांधीनगर यानी कि 1916 के आसपास से हमको शुरू करना है गांधीनगर, देन इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट वो कंप्लीट करना है, इसके साथ हम पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कवर करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री जितना आप ज्यादा करेंगे उतनी ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि 10 टू 11 क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस जितने ज्यादा सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस का भी मैंने अभी स्ट्रेटेजी बना रखी है, इसके बाद मैं आपको स्ट्रेटेजी ही बताने वाला हूं जस्ट ये कैसे करेंगे। अगर ये सब सिलेबस देखो यार, वैसे भी आई नो दिस कि 40 डेज आर वेरी लेस फॉर एवरी कैंडिडेट, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, लड़को तुम्हारे लिए तो मैं ये कहूंगा कि भाई तुमने अभी तक पढ़ा नहीं, लेकिन अब भी आंखें खुल गई हैं तो कुछ कर सकते हो, तो लड़कों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको पहले से आपको कुछ चीजें पता है, फॉर यू इट विल बी इजी होगा, लेकिन तब भी 40 दिन में करना बहुत कठिन है, इतना सिलेबस आपको देखने में टॉपिक्स लग रहे हैं, व्हेन यू विल डाइव इनटू देम यू विल गेट कि कितना बड़ी चीजें हैं या कितने बवास टॉपिक्स हैं। तो देखो इन सब चीजों को हम लोग तुम्हें कवर कराएंगे, एमजीएस की पूरी फैमिली तुम्हारे साथ है। देखो अगर एक चीज हम निकालने जा रहे हैं तुम्हारे लिए, अगर तुम्हारी मर्जी हो, इफ यू वांट देन यू कैन टेक दिस क्रैश कोर्स फ्रॉम 1st of October, ये जितनी चीजें मैंने तुमको बताई हुई हैं वो सब और इससे ज्यादा ही तुमको कवर करा के भेजेंगे, उसकी टेंशन तुम मत लेना। तो 1st of October से, कितनी, 1st of October से क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं हम, वो भी 40 दिन NDA इन के नाम से। बेटा ए बाबू लोग, किसी ना किसी के तो बाबू हो ही ना, तो ये 40 दिन NDA इन, ये इंक्वायरी नंबर्स आपको दे रखे हैं हमने, अगर आप चाहते हैं तो ये 8884049878 7311999920, इन दोनों पे NDA इन के लिए सेपरेट बैचेस फॉर गर्ल्स एंड बॉयज के लिए सेपरेट बैचेस हमारे पास हैं, और दोनों के लिए ही क्रैश कोर्स है। लड़कियों तुम्हारे लिए हमने अलग से क्वेश्चन नहीं निकाला है, अलग से मतलब इन द सेंस कि क्रैश कोर्स ही में पढ़ाया जाएगा, 40 ही दिन रह गए, इसमें फुल सिलेबस कवर नहीं हो सकता। तो दिस इज गर्ल्स एंड बॉयज बोथ, दोनों के लिए अलग अलग क्रैश कोर्स बनाया गया है 1st of October, एंड टॉप 20 लड़की यानी कि टॉप 21st कमिंग, दैट इज पहले आने वाली लड़कियों को हम लोग डिस्काउंट भी देंगे 50% इन द फीस। तो जल्दी से जल्दी कर लो, 15-16 कृष्णा सर बता रहे हैं हो चुकी हैं, जो बची हैं वो कर लो।
ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप कॉल कर लोगे, जितनी जल्दी आप डाल दोगे उतनी ही अच्छा ये आपके लिए हो जाएगा 50% एंड फुल फीस रिफंड अगर आप रिकमेंड हो जाती हैं तो। देखो वी वांट कि एमजीएस की तरफ से बहुत बढ़िया बैच बने, बहुत अच्छा बैच बने, इसके लिए लड़कियों का बैच बहुत अच्छा बने, वो भी कहां एनडीए में जाकर, तो उसके लिए अगर रिकमेंडेशन आपका होता है हमारी तरफ से तो दिस इज अ फॉर्म एज अ गिफ्ट टू यू, दैट इज फुल फीस रिफंड आप क्लेम कर सकते हैं, यू कैन गेट दिस, ठीक है, बट वी विल बी सो हैप्पी टू रिफंड दिस फीस, वी विल बी सो हैप्पी। सो चलो अब देख लो स्ट्रेटेजी में तुम्हें बता दूं लास्ट में कि क्या है स्ट्रेटेजी, करना कैसे है सर, अगले 40 दिन कैसे वर्क करना है। सबसे पहले अल्टरनेट 2 hours आप दोगे, क्योंकि मैथ्स को आपको पढ़नी है मैथ्स, तो 2 hours आप दोगे नेक्स्ट 25 डेज में 2 hours को मिला के हो गया 50 hours, 50 hours को आप डिवाइड करोगे 30, 10 and 10 hours में आप एंशिएंट कवर करोगे, 10 hours में आप मिडिवल कवर करोगे एंड नेक्स्ट 30 जो आवर्स है दैट विल गिव यू मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको कवर करना है, अल्टरनेटली देना है 2 घंटा, संडे को रिवीजन करना है और क्वेश्चंस करने, तो इन 25 डेज में ऑलमोस्ट आपको मिलेंगे 3 संडे, उसमें आपको क्या करना है क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो भी आपने टॉपिक वीक में कवर किया है उसको मैं कहूंगा पहले एंशिएंट और मिडिवल कंप्लीट कर लो फिर मॉडर्न पे एक साथ जुड़ जाना, ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग और लास्ट 15 डेज जो आखिरी के 15 दिन बचे होंगे तुम्हारे पास उसमें केवल मॉक सॉल्विंग, क्वेश्चन लिखो पढ़ो रटो, लिखो पढ़ो रटो। तो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रेटेजी फ्रॉम माय साइड, कि 2 घंटा अल्टरनेट आप देंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे संडे को एंड देन यू कैन सक्सीड। अगर क्रैश कोर्स नहीं भी ज्वाइन करना चाहते हो तो यू कैन कम ऑन अवर चैनल, चैनल पर भी आ सकते हो, शाम को 6 बजे क्लास होगी, शाम को 7:30 बजे भी क्लास होती है, दोनों ही टाइम पर हमारे पास क्लासेस मिलेंगी आपको, एंड इफ यू वांट कि सर क्लासेस बढ़ाई जाएं जीएटी की, मैथ्स की, इंग्लिश की, वी विल इंक्रीज द क्लासेस आल्सो, बट डू योर प्रिपरेशन, कैसे करनी है मैंने तुम्हें बता दिया है, जैसे कर पाओ, अगर तुम्हें लगता है कि यू नीड अवर सपोर्टिंग हैंड कम ऑफलाइन और कम ऑनलाइन, यू आर वेलकम ओवर हियर। सो थैंक यू फॉर दिस सेशन, वी विल मीट ऑन द ऑनलाइन सेशन और इन द यूट्यूब, जहां भी आप हमसे मुलाकात करना चाहेंगे, एमजीएस फैमिली इज विद यू इन दिस टारगेट फॉर मिशन खड़कवासला। तो तब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद।